विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वीचा पाठ क्रमांक 14वा दिव्य, ज्याचे लेखक जयंत नारळीकर आहे, त्या पाठाचे आपण पहिल्या भागाचे आज स्पष्टीकरण करणार आहोत। 21वीं सदी के दरम्यान में गुजरी हुई ये कहानी है। आलोक नाम का बेहद अक्लमंद लड़का एक खला की बस्ती में रहकर काम करने के लिए दुनिया के मुंतकीब अक्लमंद लड़के और लड़कियों को मखसूस स्कूल में तरबियत के लिए रवाना किया जाता था। भारत की तरफ से एक साल आलोक का इंतखाब हुआ और वो सिंगापुर की स्कूल में दाखिल हुआ। वान चेंग ये चीनी तालिब इल्म भी इसी स्कूल में था। जिन हालात में चेंग की आलोक से दोस्ती हुई वो अजीब व गरीब इस कॉलम में उसका शुमार होता है। नए तालिब इल्म को अंदर लाया जाए, चेंग ने हुक्म दिया। वो एक लंबे दरमियानी हिस्से में बादशाह की मानिंद रुआब से बैठा था। उसके दोनों बाजू पांच पांच लड़के और लड़कियां बैठी थी। ये सीनियर तुलबा की कमेटी थी और चेंग उसका सदर था। होशियार बच्चे हैं फिर भी उनमें शरारत ना हो ऐसा नहीं है। बतौर खास स्कूल में इस शरारत का जोर कुछ ज्यादा था। सिंगापुर की इस स्कूल में ये शरारत बड़े पैमाने पर जाहिर होती थी। नए तालिब इल्म को सताने का रस्म रिवाज ही था। इस रस्म रिवाज को अहमियत हासिल हो इसलिए सताने वालों की एक कमेटी की बुनियाद डाली गई थी। इस कमेटी में ज़्यादातर सेकंड ईयर के तलबा तालिब इल्म थे। सताने के अलग अलग तरीके जिसके जरके दिमाग में सबसे ज़्यादा आएंगे वो सरबराह बनता था। इस उसूल के मुताबिक चेंग इस कमेटी का चेयरमैन था। चेंग के हुक्म से दोनों ने रूम के बाहर खड़े हुए नए लड़के को अंदर लाया गया। आलोक नाइक चेंग ने सामने खड़े लड़के की तरफ देखा। जसामत से दुबला पतला लेकिन चेहरे पर बेहद अकलमंदी का नूर दिखाई दे रहा था। उस लड़के को देखकर चेंग के दिली दिल में उससे मुतालिक हमदर्दी महसूस हुई, लेकिन उसने हमदर्दी को दबाकर सख्त लहजे में कहा, मैंने आवाज लगाई उस वक्त जवाब देना उसकी ऐसी रस्म है। आपका तारुफ यकतरफा हुआ, उसे मुकम्मल होने का मैं इंतजार कर रहा हूं, आलोक ने इत्मीनान से कहा।